जंगलों में भड़की आग से अब गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा है। जंगल से उठी आग की लपटें थापली गांव के नजदीक तक पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गांव के लोग सारा काम छोड़कर आग बुझाने दौड़े। 5 घंटे तक ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुटे रहे। इसी बीच आग बुझने के लिए नैनीताल से दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रविवार को बेताल घाट ब्लास्ट के बर्थो क्षेत्र में से सटे जंगल से आग की लपटें उठाई दिखी और विकराल होती चली गई। आग की लपटें धीरे धीरे थापली गांव की ओर बढ़ने से हड़कंप मच गया। हवा के तेज झोंकों से आग की रफ्तार बढ़ती चली गई। आग के विकराल रूप लेने से थापली गांव के ग्रामीण मुश्किल में आ गए। सारा काम छोड़ ग्रामीण आग को काबू करने में जुट गए। तेज लपटों ने कई बार ग्रामीणों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच सूचना जिला मुख्यालय स्थित दमकल विभाग को दी गई। ग्रामीणों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी बीच नैनीताल से पहुंचे दमकल वाहन ने भी आग पर पानी की बौछार कर उसे फैलने से रोका। रामगढ़ ब्लॉक के चियोड़ी गांव के किसान ने आग की चपेट में आकर नष्ट हुए बगीचे का मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। बीते दिनों जंगल की आग को चियोड़ी गांव के किसान आनंदराम के बगीचे का काफी नुकसान पहुंचाया था। बगीचे को हुए नुकसान की भरपाई को किसान आनंदराम ने जिलाधिकारी से मुआवजे की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी को भेजे गए ज्ञापन में कहा है, जंगल से आग ने बगीचे में नाशपाती के 150 गड़मेहल की आड़ में 50-50 तथा खुमानी व पुमेल की 20-20 पेड़ जला डाले। आय के एकमात्र साधन बगीचे के नष्ट हो जाने से उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा है।